सो गाइस मेरा मूड तो नहीं था नहाने का, लेकिन यहाँ के जो पानी इतना मस्त गर्म है ना, मुन्नी डाल दूँ भी दिक्कत तो नहीं होगी? मुन्नी डाल दूँ, चक्कर आएगा देखना, चक्कर आएगा मतलब जब निकलने। अरे वाह, आपको देखो रास्ते में यहाँ पे पानी वानी और व्यवस्था मिल जाएगी छोटी मोटी। है भैया आप लोकल ही हो? क्या रेट है पानी वानी? 30 रुपीज़ का है। यहाँ से विशिष्ट के लिए रास्ता यहीं से जाएगा छोटा। थैंक यू भैया। सो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस रास्ते से हम पहले आए थे वो थोड़ा छोटा था और स्टीप था, ये रास्ता ओके है, यहाँ पे ज़्यादा स्टीप नहीं है और प्रॉपर है। और यहाँ पर रास्ते में देखो ना, आपको भैया भी मिल गए थे, तो इसका मतलब यही मेन रास्ता यही है। तो अगर आपको जल्दी करना है, अगर आपको आदत है स्टीप करने की, तो आप उस रास्ते से चले जाना। बट अगर आप नहीं चल पाते हो ज़्यादा, तो आप इसमें आराम से आना, इस वाले में ये काफ़ी अच्छा ट्रेल है। तो भाई लोग इस साइड से बस यही प्रॉब्लम है कि सीढ़ियाँ बहुत ऊँची ऊँची हैं। देखो हम उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हम यहाँ से उधर की तरफ चले गए थे। और ये रास्ता जो अगर आप यहाँ से जा रहे हो, प्रॉपर रास्ता जो है जुगनी वाटरफॉल का, वो यहाँ से जा रहा है। और प्लस अगर आपको विशेष टेम्पल जाना है तो आपको यहीं से राइट हैंड साइड पर रास्ता जो कटता है वहाँ जाना है। तो अभी हम जाते हैं विशेष टेम्पल जय माता दी। यहाँ पर भी एक आध टेम्पल हैं छोटे मोटे। तो विशेष टेम्पल की खासियत यही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, अपने आप गर्म पानी आता है वहाँ पे, तो काफ़ी सारे वहाँ पे आप नहा भी सकते हो। जैसे यहाँ पे थोड़ी चाय वाय की दुकानें हैं, देखते हैं किधर। सो गाइस ये है विशेष टेम्पल, हमें सीधा जाना है बिल्कुल एकदम। ये सामने ट्रेल्स हैं, तो थोड़ी सी सीमेंटेड ट्रेल्स हैं, उसके बाद फिर ऑफ बीट ट्रेल्स आ गई हैं, एकदम सीमेंटेड नहीं है, नॉर्मल ट्रेल्स हैं। तो बस चलते हैं वसेस टेम्पल। तो गाइस रास्ता तो प्रॉपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप जोगनी या फिर विशिष्ट आने का प्लान कब आउट कर रहे हो, तो आपको स्कूटी भी रेंट पर लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई गाइड लेने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ ऑटो लेना है जैसे मैंने बताया आपको, और पहुँचो सारा कुछ खुद कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आराम से अपना आओ, संडे को आओ, कभी भी आओ, अर्ली मॉर्निंग आओ, पूरा टाइम लो, बढ़िया नेचर वॉक है, अमेजिंग व्यूज़ का आनंद लो, वेदर अच्छा होना चाहिए बस, क्योंकि थोड़ा मिट्टी वाला रास्ता है, वेदर अच्छा रहेगा तो बेस्ट रहेगा, और एंजॉय करो। और क्या चाहिए भाई? भैया बसेस कितना आ गया यहाँ से? 10 मिनट। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई लोग चलते चलते हम लोग एक और वाटर क्रॉसिंग में आ गए हैं, आई थिंक थोड़ा ही और रह गया यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे एक देवता का टेम्पल आता है, वहाँ से लेफ्ट लेना है वशिष्ठ के लिए, वशिष्ठ टेम्पल के लिए। सो गाइस जैसे ही आप वशिष्ठ टेम्पल के अंदर जाओगे, तो आपको पहले एक प्रांगण मिलेगा, तो वहीं पे वशिष्ठ ऋषि का जो है मंदिर भी है। ये पूरा गांव वशिष्ठ नाम से ही जाना जाता है, और इसी उसी के बगल में जो है हॉट स्प्रिंग भी है। यहाँ पे लड़कों का और लड़कियों का अलग अलग है नहाने का। महर्षि वशिष्ठ का प्राचीन मंदिर। सो गाइस हम लोग पहुँच गए वशिष्ठ टेम्पल पे। तो गाइस मेरा मूड तो नहीं था नहाने का, लेकिन यहाँ के जो पानी इतना मस्त गर्म है ना, मतलब अभी घुस भी नहीं सकते हो आप, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पाँव डाल के रखता हूँ, उसके बाद घुसूंगा, फिर यहीं बैठ के सूख जाएंगे, क्या दिक्कत है यार।
इसी एरिया में आता ना गर्म पानी बस, इसी एरिया में आता ना गर्म पानी बस, या क्लास में आता है सीजन में आता ऐसा नहीं ना, हमेशा रहता है 12 महीने भैया, 12 महीने कभी भी आओ, मनी करने वाला हिसाब है। मुंडी डाल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मुंडी डाल दूं, चक्कर आएगा देखना, चक्कर आएगा मतलब जब निकलने वाले हो सब। ओके ओके, दोस्तों ये खरगोश हैं, अरे हम खा लेंगे। सो गाइस प्लान तो नहीं था नहाने का, लेकिन वहाँ जाके अपने आप को रोक नहीं पाया नहाने से, तो अभी चलते हैं शिव जी और राम जी के मंदिर, जस्ट उसके बगल में ही है। तो किस बात की चिंता हमें। सो गाइस राम जी के दर्शन करके अब हम लोग यहाँ से दूसरे टेंपल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सारे टेंपल आसपास में ही है, विशिष्ट उसके ऊपर राम जी का, और इसके बाद हम लोग जाते हैं शिव जी के मंदिर के दर्शन करने। ये है महादेव का मंदिर, हर हर महादेव। राम मंदिर और शिव जी का मंदिर जो है कंप्लीट होता है, और ये जो मैंने पूछा था ना, जो ये लकड़ियाँ लगाई हुई है, ये ध्वजा है यहाँ पे। तब जब भी कोई नया मंदिर बनता है तो ऐसा उन्होंने लोकल ने बताया कि ध्वजा लगाते हैं, ये भी बहुत सालों पुरानी है, लाइक 100 साल पुरानी। तो बस फिर यहाँ से चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आपको एक मार्केट भी मिल जाएगी, अच्छी खासी मार्केट है, जैसे ओल्ड मनाली में मार्केट है ना, सेम टू सेम वैसे ही है। तो आई थिंक यहाँ स्टे करने का भी ऑप्शन हो सकता है, अगर आपको ओल्ड मनाली में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या वहाँ पे बहुत टाइम स्टे कर लिया है, तो एक बार तुम यहाँ भी स्टे करके देख सकते हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉरेनर ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा फॉरेनर दिख रहे हैं इस साइड पे। सो गाइस अप्रॉक्स 11 बज गया था, तो मैंने सोचा कि यहीं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। सो गाइस ये आ गई हमारी पाव भाजी, बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा खाया मैंने अलग सा। मैंने ये वाली जैकेट ले ली है, एक ये नाली की जो होती है, और साथ में तो एक ग्लव्स भी ले लिए आगे से।